यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग. आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. आपसे बहुत बहुत स्वागत है सर. आपसे उम्मीद नहीं थी, हमारे सारे लेक्चर जूम पर हुए, आप भी जूम पर ले लेते. वहाँ स्लो मोड ऑन नहीं होता है, इसलिए बहुत ही बढ़िया. अच्छा हुआ ना आपने मुझे बता दिया. क्या बात है, बहुत बढ़िया रीति. दिया कह रही है मैं न्यू स्टूडेंट. शर्म नहीं आती आपको थोड़ी, मतलब है ना, सालों से आने वाले कहते हैं कि हम नए हैं. आज जूम पे मुलाकातें हुई है आपकी, दिल लग गया आपका मुझे लग रहा है ना. जूम पे आज जो आपकी मुलाकात हुई है एक दूसरे से, दिल तो नहीं आ गया आपका किसी पे? सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या कर रहे थे जूम पे आप? पढ़ाई कर रहे थे या कैमरे घुमा रहे थे? मैं बढ़िया हूँ एकदम. खुशी कह रही है आप मुझे भूल गए हो क्या? नहीं खुशी, ऐसे कैसे भूलेंगे. सच्ची सच्ची बताओ, आज आप क्या कर रहे थे जूम पे? कितनी देर पढ़ाई की और कितनी देर कैमरा घुमाया? सच्ची बताना, कसम से, आपको खुद की कसम, तुमको अपनी कसम जाने जा, सच्ची सच्ची बताओ. कितने लोगों ने कितनी देर पढ़ाई की? सलोनी के लिए आप इग्नोर करते हो. मैं कहाँ इग्नोर करता हूँ यार, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है ये. शुक्रिया डिम्पल. टॉकिंग चल रही थी सबकी. अच्छा, ऋषिका कह रही है डू यू नो मी, कैसे मतलब नाम से कैसे पहचानते भाई ऐसे? ऋषिका ऐसे नाम से कैसे पहचानते बताओ, है ना. अचानक से मैं मतलब मार्केट में आपके सामने से निकल जाऊं, मैं अपना नाम बताऊं और बोलूं डू यू नो मी, तो कैसे पॉसिबल है ना. स्कैनर वगैरह है तो स्टार्ट कर सकते हो. बिल्कुल सही, याद बिल्कुल सही है. चले करेगा स्टार्ट. ओहो भाई, आपने तो मतलब मैंने स्पीड इतनी फास्ट कर दी कि मैं क्या ही बोलूं, इतनी तेज इतनी तेज. ओ उत्तरी, आज बहुत से लेक्चर बीच में एंड हो गए थे, पता नहीं यार क्या लफड़े. क्लास से होस्ट ही चले गए थे, मतलब जूम भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप लोग गप्पे मार रहे थे ऐसा? वारे ध्रुमिल, ध्रुमिल सुबह आया था ना, प्रोफेशनल में आके बोलता है न्यू स्टूडेंट, हद नहीं हो गई. खुशी कह रही है स्लो मोड ऑन कर दो. कर दें क्या बताओ? अरे ये हर्षाली, एक दिन का बचाओ है, मैं करवा दूंगा. अरे एक दिन के 3 पेजेस बचे हुए ना चैप्टर नंबर 3 के, मैं करवा दूंगा. ठीक है, करेगा स्टार्ट, करेगा स्टार्ट. चले सुनिए, तो यहाँ पर कल हमने पढ़ा था और आज मैं आपको मिनिस्टर्स पढ़ाने वाला हूँ, है ना. काफी दिनों से मिनिस्टर्स आपने पढ़े नहीं है, सॉरी, तो आप उसको भूल ना जाए. इस वजह से कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ, है ना. ये नेशनल एम्बलम्स वगैरह वगैरह आपने पढ़ रखे थे, है ना, ये सब झंडे के बारे में, देन ये सब, है ना, एम्बलम और ये और ये और ये सब था. तो आपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा था कि भाई 3 कलर होते हैं वगैरह वगैरह, इसको रिवाइज करने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ना. 3 कलर होते हैं, एक आपका सेफ्रॉन होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है. सेफ्रॉन से करेज स्ट्रेंथ आता है, व्हाइट से पीस आता है, और ग्रीन से आपका जो है ना ग्रोथ एंड फर्टिलिटी अपने को दिखती है. बीच में ये आपका जो है ये व्हील होता है, इसमें 24 स्पाइक्स रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक लॉयन जो है ये कहाँ से उठाया अपन ने? सारनाथ से उठाया है. अपन ने कहाँ से लिया है? हमने उठाया सारनाथ से. स्क्रीन यार तुमको नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही है? जस्ट अ मिनट, दिखनी चाहिए यार, जस्ट अ मिनट, अब दिख रही है ना. बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ. चलिए, सोनिया के लिए सारे याद करवा दो ना. इतने भी मतलब इतने भी इजी नहीं है कि एक दिन में हो जाए, करेंगे हौले हौले, एक दो दिन में सारे करवा दूंगा. अमन आगे बताऊंगा, जिस दिन आईपीओ आएगा उस दिन बताऊंगा. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर. चलिए अब देखिए आगे, है ना. सारनाथ एक जगह का नाम है ना, यूपी में सारनाथ एक जगह का नाम है हर्षाली. ठीक है, चलिए मैं स्लो मोड लगा दूं क्या? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाऊंगा, थोड़ा सा ही, बस स्लो मोड में लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं. क्योंकि स्लो मोड वैसे तो 5 मिनट का भी लगता है, पता है आपको? स्लो मोड जो है ना वैसे तो 5 मिनट का भी लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लगा रहा हूँ, सिर्फ 60 सेकंड का, ओनली 60 सेकंड्स. चलिए सुनेगा, तो यहाँ पर क्या है, अपन ने ये पढ़ा था नेशनल करेंसी, हमने पढ़ी थी 2010 में, इसको अडॉप्ट किया था 8 जुलाई 2011 से, हमने इसको सर्कुलेशन में लाया हुआ था, है ना. ऑफिशियल करेंसी का ये सिंबल है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, मतलब आपका इंडियन रुपीज इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. देन उसके बाद, है ना, उसके बाद स्टेट एम्बलम, है ना, उसके बाद क्या आपका, उसके बाद आपका स्टेट एम्बलम. तो ये, है ना, यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर एनिमल्स हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन, है ना. एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन, या लॉयन जो आपको पढ़ाया था, है ना. इसके नीचे और क्या है? धर्म चक्र है ना, वही धर्म चक्र है जो आपने ऊपर देखा था.
नेशनल बर्ड अपने पिकॉक है, दिस इज विच इज कॉल्ड एज पेवो क्रिस्टेटस. पिकॉक को आप क्या कहते हैं? पिकॉक को आप कहते हैं पेवो क्रिस्टेटस. टाटा पावर खरीद लो भावेश, उससे अच्छा आईएक्स भी जा सकता है, लेकिन आईएक्स बहुत ऊपर नीचे होता है. नोट्स, अरे यार नहीं भेजे यार उसने, किशोर को बोला यार मैंने नोट्स भेज दे भाई. एक मिनट, एक मिनट, मैं नोट्स के लिए बोल देता हूँ. चलिए सुनिए, है ना, तो आपका कौन है? नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड कौन से आपका? पिकॉक, पेवो क्रिस्टेटस. ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया था, इतना नहीं पूछता है. नेशनल एनिमल कौन है अपना? टाइगर, मतलब पैंथेरा टाइग्रिस. तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं. ठीक है, नेशनल फ्लावर क्या है अपना? लोटस. लोटस का और क्या नाम है? बस पूजा डिक्लेरेशन. आपको मोदी सर ने डेट नहीं बताई क्या? मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, मैराथन वगैरह की डेट बता दूंगा. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, लोटस है, दैट इज नेलेम्बो न्यूसीफेरा गैल्टन. नेलेम्बो न्यूसीफेरा गैल्टन, तो ये होता है आपका लोटस, है ना. इंडिया इज रिच इन फ्लोरा. अपन दुनिया में 10वीं पोजीशन पर हैं, लेकिन हम एशिया में 4th पोजीशन पर हैं. दुनिया में हम 10th नंबर पर होंगे, लेकिन एशिया में हम 4th नंबर पर हैं. देन ओलंपिक का सिंबल आपको दिया गया, यहाँ पर 5 चूड़ियाँ थी, इनका कलर आपको दिया गया है ना, ब्लू येल्लो देन ब्लैक देन ग्रीन देन आपका है ना रेड. तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है, और ये अलग अलग टाइप के क्या क्या सिम्बल्स थे, तो ये तो आपको ही पता, आप ही जानो. देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमने पढ़े थे, है ना, पद्म अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, देन भारत रत्न के बारे में हमने पढ़ा था, और ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना, सुनेगा. तो यहाँ पर आपको बोला था कि अपने पास अलग अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, देन है ना, फिर आपका जो भारत रत्न भी है. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो पद्म अवार्ड्स हैं या हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, आइडियली हम ये हर साल बांटते हैं रिपब्लिक डे के मौके पर, और इसके लिए एक पद्म अवार्ड्स की कमेटी बनाई जाती है. जो कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं पद्म अवार्ड्स की कमेटी, और आप सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हो. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, है ना, आपको लगता है कि आपने जीवन में अगर बहुत झंडे गाड़े हैं, तो आप भी सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हो कि आपको पद्म भूषण या पद्मश्री ये मिलना चाहिए. हेमा के लिए रिप्लाई नहीं कर रहे हो, देखो अब मैं पढ़ाने के फ्लो में हूँ ना, तो मेरा ज़्यादा फोकस अब इसी पर रहेगा, है ना, मेरा ज़्यादा फोकस जो इसी पर रहेगा. प्लीज़ बहुत ध्यान से दो, है ना, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखो, सुनिए, है ना, सुनिए. देन आपको बताया था हिस्ट्री एंड रेलेवेंस, तो अपने पास दो ही हुआ करते थे, भारत रत्न एंड आपका पद्म विभूषण. देन इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग. पद्म विभूषण को हमने बांटा था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, लेकिन हमारा मूड और चेंज हो गया, हमने और नाम इसको नाम बदल दिए थे हमने, हमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. तो पद्म विभूषण मतलब एक्सेप्शनल काम आपने किया है, बहुत ही, तो पद्म विभूषण. पद्म भूषण मतलब कोई ना कोई आपके पास है ना पोस्ट है, कोई डेजिग्नेशन है, आप मंत्री वगैरह हो, तो आपको दिया जाता है पद्म भूषण. एंड पद्मश्री आपको दिया जाता है अगेन स्पेशल कामों के लिए, लेकिन एकदम ही आपका स्पेशल रहा तो पद्म विभूषण, थोड़ा कम अच्छा काम किया है आपने तो फिर पद्मश्री, है ना, तो फिर क्या है आपका पद्मश्री. कृष्णाली के लिए स्कैनर के एमसीक्यूज बहुत हार्ड हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो मेरे पास एक बार भेजना, मैं देखता हूँ कौन सा वाला आप रेफर कर रहे हो ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेफर करना है कि नहीं करना है. क्लियर है? चले सुनेगा, है ना, तो यहाँ पर डन, आपका डन डन डन, ये आपने पढ़ लिया था इसके बारे में. देन भारत रत्न के बारे में, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, एक साल में मैक्सिमम 3 बांटे जाते हैं, अब तक टोटल 48 भारत रत्न यहाँ पर बांटे गए, और लेटेस्ट जो मिले थे वो 2019 में दिए हुए थे. लेटेस्ट जो भेजे थे ना वो 2019 में आपने भेजे हुए थे, मतलब आपने भारत रत्न दिया था मेन 3 लोगों को दिया था, 3 लोगों को दिया था, कौन कौन है, है ना, एक आपके प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा जिनको हम कहते थे, एक नानाजी देशमुख और एक भूपेन हजारिका, है ना, प्रणब दा, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका, इन तीनों को मिला था 2019 में. उसके बाद हो सकता है कि अगला भारत रत्न आपको ही मिले. करेक्ट, परफेक्ट. आज तो भाई स्लो मोड में भी स्लो नहीं लग रहा है मुझे, क्या हो गया आज, इतनी उंगलियां क्यों चल रही है आपकी, क्या हो गया आपकी उंगलियों में, ऐसा वार्म अप करके आयो. अभिषेक कह रहा है सबको लाइक करने बोलो, देखो आप बच्चों को इतनी चिंता होती है कि यार दूसरे लाइक नहीं कर रहे, कैसे हो तुम यार, लाइक करो फटाफट से.
यस, भूमि उसका अपन सेशन लेंगे ना, जूम पे लेना पड़ेगा है ना, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। चलिए करें हम आगे, पढ़े हम आगे। नेहल केरी आज क्वेश्चन अच्छे आए थे टेस्ट में, मैंने बोला उनको भैया कि बाहर के मत दो है ना, क्या ऑफिस से आपको क्वेश्चन भेजते हैं, मैंने बोला बच्चे परेशान हो रहे बेचारे, बाहर के क्वेश्चन मत दो, परफेक्ट है ना। चलिए अब देखिए आगे, सलोनी कह रही आज इच्छा नहीं होती हो रही है पढ़ने की, कब होती है भाई मुझे बताओ। चलो अरे भाई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ा लूँ मैं, आपकी इजाज़त हो अगर है ना, आपकी इजाज़त हो तो आपके एग्जाम के लिए जो 20 दिन बाद है उसके लिए पढ़ा लूँ मैं। यस इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, चले आगे, थैंक यू सो मच। चले तो आपके पद्म अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, देन है ना जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं ना, तो वैसे क्योंकि ये इस गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो इनको ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। देन आपको बताया था कि भाई टोटल कितने कितने बांटे थे, टोटल 2021 में कितने कितने बांटे थे, तो 7, 10, 102 है ना, 7, 10 और 102, ठीक है। 2021 में जो यहाँ पर आपने पद्म भूषण और पद्मश्री जो आपने बांटा था ना, तो 7, 10 एंड 102 आपने बांटे थे। तो 2020 तक कितने बांट रखे थे आपने, 314, 1271, 3123 है ना, 314 था, 314 था, देन 1271 था एंड 3123 था है ना, क्या क्या हो गया, 314, 1271 एंड 3123 है ना, एंड 3123, परफेक्ट। तो ये आपने 2020 तक टोटल बांट दिए थे, एंड 2021 के लेटेस्ट वाले याद रख लेना, 710102, 710102, 710102, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों के बाद आए हैं या नए ज्वाइन हुए हैं, ऐसे भी कुछ हैं क्या है ना, ऐसे भी कुछ बच्चे आज मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो नए नए ज्वाइन हुए, ऐसा भी है क्या, यस नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखो मैं कल का रिवाइज ही करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको मिनिस्टर्स के नए नए वाले नाम जो है वो याद करवाऊंगा। चलो अरे यार नए नए बच्चे आ रहे हैं तुम उनके सामने अपना क्या इंप्रेशन बना रहे हो यार, नए नए बच्चे आएंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं बोले है ना, इतनी कमेंटबाजी करते हैं, 20 दिन बाद एग्जाम है ना, बच्चे यही बोलते रहते हैं कि सर आप हमको इग्नोर कर रहे हो, सर हम आपको इग्नोर कर रहे हो, सर आप हमको इग्नोर कर रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे मजा आएगा है ना, क्या मैं नए बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा बताओ है ना, आपको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, मेरी तो रख लो थोड़ी है ना। चलो तो पढ़ लें आप है ना, अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना आप गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो ना, अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना है ना, अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा सर आप हमको इग्नोर कर रहे हो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा ना, परफेक्ट है ना। चलिए बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू यार, प्राउड ऑफ यू, कितने मतलब आप सियाने बच्चे हो है ना, कोई शेयर्स के बारे में नहीं पूछेगा ना, क्या बात है यार, प्राउड ऑफ यू, वाह वाह है ना। शेयर्स वाले देखो शर्म के मारे अब अपना जो मैसेज है डिलीट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर फोकस करो है ना, 314, 314, 1271, 3123 तो ये पहले बांटा हुआ था, और 7, 10, 102 आपने अभी बांटा था। देन यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने दिया था है ना, किन की याद में दिया जाता है, धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्होंने पहली फीचर फिल्म बनाई थी इंडिया में, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में है ना, 1913 में राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई थी, अपने दादाजी वगैरह को आपको पता होगा तो उनको पूछना है ना, उनको याद होगा है ना। उसके बाद क्या टोटल इन्होंने 19 साल का जो इन्होंने काम किया उसमें 95 फिल्म्स बताई बनाई थी, 26 जो है वो शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, ठीक है, 19 साल के इन्होंने टाइम पीरियड में। और इन्होंने पहला जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया था वो किसको दिया था है ना, किसको दिया था, सबसे पहले देविका रानी को दिया था है ना, कौन सी रानी को दिया था, देविका रानी को दिया था भाई, देवियों की रानी थी, इनको दिया हुआ था, ओके। उसके अलावा क्या यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है ना, ऐसा कुछ काम करो कि भाई आपको ऐसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, स्वर्ण कमल मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेंगे है ना, सिल्क का स्क्रॉल मिलेगा, वो जो गले में दुपट्टा डालते हो वाला नहीं, स्क्रॉल क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, और एक शॉल आपको मिलेगी, तो ये चार चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, क्लियर है, परफेक्ट। एंड उसके अलावा क्या बोला है, अमिताभ बच्चन जी को हमने 2019 में दिया था हिंदी मूवीज के लिए, और साउथ की मूवीज के लिए हमने जो है यहाँ पर किसको देख रखा था, साउथ की मूवीज के लिए हमने किसको देख रखा था, हमने हिंदी मूवीज के लिए अमिताभ बच्चन को देख रखा, एंड साउथ की मूवीज के लिए हमने देख रखा है रजनीकांत जी को, ठीक है। तो ये कल हमने पढ़ा था, बाकी ये कुछ आपके देश विदेश के आपको यहाँ पर अवार्ड्स हैं, हर जगह पर नरेंद्र मोदी अवार्ड लिखे हैं, 2019 में अलग अलग टाइप के जो है ना नरेंद्र मोदी यहाँ पर अवार्ड्स लिखे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल अभी मैं आपको थोड़ा सा लेके आता हूँ, किस पर, अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ आपके मिनिस्टर्स पर, आपके मिनिस्टर्स बहुत मिस कर रहे हैं, आप भी मिनिस्टर्स को बहुत मिस कर रहे हो, तो आज हम पहले इस पर आ जाते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। चलिए अब देखिए आगे,
देखिए हम आगे, अब देखो मिनिस्टर साहब वाला ये पीडीएफ है, नया वाला अभी है ना किशोर ने बोला उसने भेज दिया था, अब गलत गलत इल्जाम लगाते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने देखिए लास्ट वाले इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, दर्शना जी और मुरलीधरन तक पढ़ा था ना, यस हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था। ध्रुमेला यार पर्सनल मैसेज कर रहा है, हद नहीं हो गई। चलो सुनो, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं पहले वाले, एक बार रिवाइज करवा दूं पहले वाले और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? चलें पढ़िए आप, सुनना। तो पहले वाले मैं आपको थोड़े रिवाइज करवा देता हूँ और मुरलीधरन तक जो अपन ने पढ़ा था वो रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा आगे। अब आपको यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं ना, आपको ये क्या कह रहे हैं सुनना। हमने ये अश्विनी कुमार वगैरह पढ़ लिया था, वीके सिंह भी हमने पढ़ लिया था, यहीं से चालू कर दें है ना। अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल हैं तो मेघ बरसते थे, मेघ बरसते थे किसके ऊपर है ना, पार्लियामेंट के ऊपर और पार्लियामेंट के कल्चर के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर मेघ बरसते थे किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर और पार्लियामेंट के कल्चर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने बनाया था कुछ, तो मेघ बरसते थे किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर और पार्लियामेंट के कल्चर के ऊपर, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री किस किस के पास था, पार्लियामेंट्री एक तो मेघवाल जी के पास हुआ है ना, और दूसरा प्रहलाद जी के पास था है ना, इनके नाम में ही भाई घोटाला है, तो इनको हमने बिठा के रखा था है ना पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में एक तो मेघ बरस रहे हैं और ऊपर से प्रहलाद जो घोटाला करते हैं उनके पास था, ठीक है? और दूसरा इनके पास कल्चर भी है, तो आपके कल्चर के ऊपर समझो बारिश हो रही है, आपके कल्चर के ऊपर समझिए बारिश हो रही है, ठीक है? और कल्चर देखने के लिए हम एकदम रेडी थे, याद है आपको है ना, कल्चर देखने के लिए हम एकदम रेडी थे। तो यहाँ पर रेड्डी जी के पास जो है वो सेंट्रल का था एंड मेघवाल जी के पास भी यहाँ पर कल्चर है। परफेक्ट, क्लियर इतना है ना। चलिए अब देखें आगे है ना, देखें आगे। सविता बंकारी है ना, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है नंबर आप ले लो, मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है? मैसेज कर देना, लेकिन हो सकता है कि मैं कल कॉल ना उठा पाऊँ, कल दिन भर पॉसिबल है कि मैं कॉल ना उठा पाऊँ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, नाम लिख देना, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, या अगर आप ऑडियो नोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे तो भी चलेगा। स्टेट के मिनिस्टर्स भी अंकिता याद रखने, नहीं तो मैं क्यों पढ़ा था आपको, बताओ सही बात है कि नहीं? तो ये मेरा नंबर है, जिनके पास नंबर नहीं है आप सेव कर लें है ना, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले सुनिए, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन सा वाला हमने देखा, कौन सा वाला हमने देखा, बाल्यान तो नहीं, ये मेघवाल। अब वीके सिंह, वीके सिंह क्या करते थे है ना, वीके सिंह बोलते थे कि मैं ऐसा रोड बनाऊंगा, वीके सिंह कहते थे कि मैं ऐसा रोड बनाऊंगा जिसमें ये एरोप्लेन भी उड़ाएंगे हम लोग, इतना प्यारा वाला, इतना प्यारा वाला यहाँ पर एरोप्लेन भी उड़ाया जाएगा और यहाँ पर जो है ना रोड भी बनाऊंगा जिसमें एरोप्लेन भी उठे है ना उड़ेगा, यहाँ पर मैं ऐसा यहाँ पर मैं ऐसा रोड बनाऊंगा जिसमें भाई प्लेन भी आप उड़ा पाओगे है ना, जिसमें आप प्लेन भी उड़ा पाओगे, ठीक है? तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और एक आपका सिविल एविएशन, एक सिविल एविएशन भी इनके पास था एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी था, ठीक है? रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और किसके पास था है ना, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और किसके पास था, नितिन गडकरी साहब के पास था, ठीक है? नितिन गडकरी साहब के पास था, परफेक्ट। और सिविल एविएशन किसके पास था, तो प्लेन कौन उड़ाता है, तो सिंधी उड़ाते हैं, मैंने आपको बताया था प्लेन कौन उड़ाते हैं, सिंधी उड़ाते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सिंधिया जी के पास था है ना। एंड आपका यहाँ पर एक है ना, और किसके पास था आपका, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज किसके पास था, आपके नितिन गडकरी, गडकरी जी के पास था, परफेक्ट। ज्योति कह रही है सर है ना वो जॉब में है ना, जॉब वालों को यहाँ पर हम कुछ नहीं देते, जो प्योर जॉब में ना उनको अवार्ड्स नहीं मिलते है ना। कोई यहाँ पर पूछ रहा, बोल रहा था कि ये मछली है, भाई मछली नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में बसती है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ अ बिहोल्डर, हर चीज सुंदर है खूबसूरत है अगर आप उसको उस नजर से देखें तो, आपकी नजर ही खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? चले आगे, नेक्स्ट है आपका कृष्ण पाल है ना, कृष्ण पाल। तो यहाँ पर पाल क्या करते हैं, पाल जी के पास एकदम हैवी पावर है ना, एकदम पाल जी के पास यहाँ पर क्या है, एकदम हैवी पावर है, करेक्ट? हमने लिखा था कहीं पर, तो लिखा था कहाँ, लिखा था गुम हो गया है ना, पाल जी के पास पावर है और वो भी एकदम हैवी है ना, पाल जी के पास पावर है और वो भी एकदम हैवी, कृष्ण पाल है ना, पाल के पास पावर है और वो भी एकदम हैवी, ठीक है? तो सेंटर में पावर किसके पास था,
सेंटर में पावर किसके पास था? तो राजकुमार जी थे, तो मैंने आपको याद करवाया था, राजा के पास पावर और एनर्जी नहीं होगी तो किसके पास होगा, ठीक है। और हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर महेंद्र पांडे जी थे, ठीक है। तो पांडे जी का गमछा जो था बहुत ही हैवी था, है ना, पल पल में पावर हैवी होता है। हाँ, हमने ये भी याद किया था, है ना, पल पल में, पल पल में आप हैवी पावर लगा देते हो, ऐसे याद किया था हमने। पल पल में पावर हैवी होता है ऐसे नहीं याद किया था, है ना, हमने याद किया था पल पल में आप एकदम हैवी जो है पावर आपका लगा देते हो, ठीक है। तो थोड़ा संभल के पावर लगाया करो, ठीक है। तो पल पल में पावर आप हैवी लगा देते हो, पावर और राजा के पास था और हैवी पांडे जी थे, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। निष्ठा निष्ठा के लिए ड्राइंग एक कला है, और वो आप सीख रहे हैं, तो मेरी ड्राइंग टीचर मेरे को सिखाती है ना, वही तो कहता हूँ मैं आपसे। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया कृष्ण पाल। नेक्स्ट है आपका श्री दानवे राव साहेब दादा राव। तो दादा राव तो भाई कमाल कर रहे थे, दादा राव का फोटो लाना पड़ेगा। कहाँ के दादा राव हमारे? ये दादा राव। दादा राव क्या कर रहे थे? इनकी बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनाई थी मैंने। तो दादा राव जो है ये, है ना, कोयले की, है ना, कोयला भी संभाल रहे थे, माइंस भी संभाल रहे थे। तो माइन से कोयला निकालते थे और ट्रेन में डालते थे, है ना, माइन से कोयला निकालते थे और ट्रेन में डालते थे। शगुन कह रही है स्लो मोड ऑफ कर दो। शगुन मुझसे ऐसा अपशगुन मत करवाओ, है ना, मैं जो देख पा रहा हूँ ना कमेंट्स आपके, वो भी नहीं देख पाऊंगा, आप ही कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो क्या मतलब। तो यहाँ पर दादा राव क्या करते थे, है ना, दादा राव क्या करते थे, दादा राव आपका क्या करते थे, वो, है ना, माइंस से कोयला निकालते थे और ट्रेन में डालते थे, परफेक्ट। तो माइंस और कोयला, और सेंटर में किसके पास था? नेहा, जो मैंने मिनिस्टर्स की पीडीएफ दी है उसी में से मिनिस्टर्स आएंगे, क्योंकि वही मिनिस्टर्स हैं तो उसी में से आएंगे, तो बाहर से कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये किसके पास है, प्रहलाद जी के पास है। और ट्रेन कौन चलाता था? और आपके अश्विनी जी चलाते थे, है ना, घोड़े की रफ्तार से आपके ट्रेन भगाते थे, घोड़े की रफ्तार से ये ट्रेन भगाते थे, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। यस, राधे राजपूत सबकी ई बुलेटिन होती है सारे सब्जेक्ट्स की। डन 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 डन, यहाँ तक ये भी क्लियर है, दादा राव हमने याद किया। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके रामदास अठवले। तो अठवले साहब आपको क्या दिलाते थे? सोशल जस्टिस दिलाते थे, है ना, अठवले साहब आपको क्या दिलाते थे? तो ये आपको सोशल जस्टिस दिलाते थे, है ना। तो सोशल जस्टिस आपको और कौन दिलाता था, है ना, सोशल जस्टिस आपको और कौन दिलाता था? तो वीरेंद्र जी थे, है ना, वीरेंद्र जी थे। वीरेंद्र जी को हमने बोला था कि भैया आप नहीं दिलाओगे जस्टिस तो कौन दिलाएगा, है ना, वीरेंद्र जी थे जो कहते थे, है ना, हम उनको कहते थे कि आप यहाँ पर जस्टिस नहीं दिलाओगे तो कौन दिलाएगा, परफेक्ट, है ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, है ना। उसके अलावा, उसके अलावा सोशल जस्टिस आपके, इसके अलावा वीरेंद्र जी संभालते थे सेंटर पे। देन ये साध्वी जी थी, साध्वी का काम क्या है, साध्वी जी का काम क्या है? तो गांव में जाके कंज्यूमर के अफेयर्स करवाएंगी, है ना, ये गांव गांव जाती थी। और है ना सुनेगा, है ना सुनेगा सुनेगा। तो यहाँ पर साध्वी जी जो है वो क्या संभालती थी, एक तो गांव का डेवलपमेंट और वहां पर कंज्यूमर के अफेयर्स। तो गांव गांव में जाके कंज्यूमर को समझाती थी कि अफेयर्स मत करो, गांव गांव में जाके कंज्यूमर को समझाती थी कि अफेयर्स मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर्स और कौन करता था सेंट्रल लेवल पे? तो पीयूष गोयल करते थे। और रूरल डेवलपमेंट, गाँव का डेवलपमेंट और गिरिराज जो है वो गाँव में जाके गिर जाते थे पंचायत के सामने, याद है आपको, सेंट्रल लेवल पे गिरिराज थे जो गाँव में जाके गिर जाते थे पंचायत के सामने। प्रथमेश, मिनिस्टर्स का मैं एक अलग से सेशन लूंगा, है ना, 1-2 घंटे का मैं अलग से सेशन लूंगा, अभी एक बार आपको सारे के सारे याद हो जाएं उसके बाद। यह दीक्षा, ये सारे हो गए, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज जितनी बार करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। तो साध्वी जी गाँव में जाके कंज्यूमर अफेयर्स करने से रोक रही हैं, और कंज्यूमर अफेयर्स आपके पीयूष गोयल करते हैं, और रूरल डेवलपमेंट गिरिराज भी करते हैं, ठीक है। देन बाल्यान, तो बाल्यान में आपको क्या पसंद था? बच्चों को दूध मछली बहुत पसंद है, और वो भी एकदम उत्तम लेवल की, है ना, और वो भी क्या, एकदम उत्तम लेवल की। ये तुषार भाई देखो, ये तुषार जो है ना, ये तुषार सरोदय आपको नाम दिख रहा है ना, ये ना सीएस एग्जीक्यूटिव में, ये भाई के 90 मार्क्स आए हैं टेक्स में, है ना, नमन करिए इनको, नमन आप, तुषार सरोदय जो है इनको एग्जीक्यूटिव में टेक्स में 90 मार्क्स आए हैं, इंडिया में हाईएस्ट है बंदा, है ना, नाम रोशन कर दिया है बंदे ने। तुषार के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक बार, जिसमें वो टेक्स के आपको टिप्स देगा, ठीक है। ये आके प्रोफेशन में भी आता ही है और आपके इसमें भी आता है, बोलता नहीं समझा, हद हो गई है। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है बाल्यान, है ना, तो बाल्यान बच्चों को ये मछली वगैरह बहुत पसंद है, और है ना परषोत्तम रूपाला इनको भी बहुत पसंद है ना।
यहाँ पर जो उत्तम है ना वो भी ला के देते हैं मछली सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे बाल्यान ला के देते हैं, है ना। वंशिका कह रही है तुषार सरोदय आपको यहाँ नहीं आना चाहिए भैया। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? तो ये हो गया बाल्यान। नेक्स्ट है आपका नित्यानंद राय। नित्यानंद इज ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज हैप्पी मतलब कौन? अमित शाह। अमित शाह जी का बर्थडे ना आज। अरे भैया आज अमित शाह जी का बर्थडे है, पता ही नहीं आपको? आज 22 तारीख है, आज पावन अवसर है, आज अमित शाह जी का बर्थडे भी है। तो अमित शाह जी होम अफेयर संभालते हैं, उनके साथ ये नित्यानंद ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। परफेक्ट, क्लियर। चलिए अब देखिए आगे, अब देखिए आगे। ये एग्जीक्यूटिव वाले तुम टाइम पास ना करो यार इधर। एग्जीक्यूटिव वालों तुम्हारा कोई अभी लेक्चर छूटा है क्या? वो लेक्चर खत्म करके इधर आ जाते हैं, ऐसे ना करो। चलो आगे आगे। श्री पंकज चौधरी है ना, यहाँ पर पंकज चौधरी। तो चौधरी भाई इनका नाम ही ऊपर नीचे था, तो ये क्या संभालते थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनका नाम ही ऊपर नीचे था, ये क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। चौधरी है ना, चौधरी। परफेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर चौधरी जो है पंकज चौधरी, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस संभालते थे, और सेंटर पे कौन संभालती थी? आंटी मतलब निर्मला सीतारमण। मतलब कौन? निर्मला सीतारमण। ऋषिका कह रही है एक बार स्टेट और सेंटर के साथ साथ भी बता देना अलग से, साथ साथ भी बता देना अलग से, मतलब समझा नहीं मैं। चलिए तो क्या हो गया आपका? चौधरी। तो मैंने आपको याद करवाया था इनका नाम ही कैसे उल्टा सीधा है ना। चौधरी तो फाइनेंस वाले ऐसे ही होते हैं, फाइनेंस वाले ऐसे ही होते हैं, इनका नाम उल्टा सीधा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर पटेल मैडम थी, अनुप्रिया सिंह पटेल। तो अनु मैडम जो है ना, अनुपम है ना, एकदम अनुपम तरीके से ये क्या करती थी? कॉमर्स संभालती थी, है ना। अनुप्रिया सिंह पटेल जो है ना, एकदम अनुपम तरीके से कॉमर्स संभालती थी, धंधा करती थी। और धंधा और कौन करता है? पीयूष गोयल करते हैं। धंधा और कौन है करते हैं? पीयूष गोयल करते हैं। पल्लवी कह रही कब से रेलेवेंट डाउट पूछ रही हूँ, एक बार वापस पूछ लो, मिस हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर पटेल मैडम है, ये कॉमर्स करती हैं, किसके साथ मिलके? किसके साथ मिलके बताओ? तो पीयूष गोयल जी के साथ मिलके। ठीक है, परफेक्ट। चले हम आगे। यस, ख्याति अच्छी है। चले हम आगे, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ये बघेल, प्रोफेसर बघेल। तो प्रोफेसर बघेल आपको जीजू के साथ क्या करते हैं, है ना, आपके जीजू और प्रोफेसर दोनों मिलके आपको लॉ एंड जस्टिस समझाते हैं, है ना। आपके जो है कौन कौन? प्रोफेसर बघेल और जीजू। जीजू और प्रोफेसर बघेल दोनों मिलके आपको क्या समझाते हैं? लॉ एंड जस्टिस संभालते हैं, है ना। दोनों मिलके आपको लॉ एंड जस्टिस यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर बघेल और आपके जीजू दोनों मिलके। देन चंद्रशेखर, तो इनको तो हमने चांद पे बिठाया था, चांद पे बिठा के स्किल डेवलप कर रहे थे और वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे थे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर उस दिन मैं स्किल पढ़ा रहा था, कोई बच्चे बोल रहे थे स्किल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एक ही याद रखो ना, कोई चलेगा। तो ये चांद पे बैठे हुए थे, चांद पे बैठ के बढ़िया स्किल डेवलप कर रहे थे और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी पहुंचा रहे थे, कौन? चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर चांद पे बैठे हुए थे। नहीं, भावेश इतना भी नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, है ना। तो यहाँ पर ही चंद्रशेखर जी जो है ये स्किल डेवलप कर रहे थे, और क्या है ना, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहां से पहुंचा रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला काम और किसका था? स्किल वाला काम किसका था? स्किल आपके धर्मेंद्र जी जो है डेवलप करके देते हैं। तो धर्मेंद्र जी का धर्म था स्किल डेवलप करना और एजुकेशन करवाना, याद है आपको? धर्मेंद्र जी का धर्म था कि आपके आपकी पढ़ाई करवाएंगे फिर स्किल भी डेवलप करवाएंगे, उनका धर्म था आपकी पढ़ाई भी करवाएंगे और आपकी स्किल भी डेवलप करवाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। और दूसरा वाला मुद्दा क्या आपका है ना, इन्फॉर्मेशन वाला। भाई इन्फॉर्मेशन वाला किसके पास था? अश्विनी जी के पास था। तो आपके ट्रेन में इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह है ना, इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह ये आपको फिट करके दे रहे थे, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया, है ना। चलिए तो ये आपको हमने पढ़ा था चंद्रशेखर जी के बारे में। देन नेक्स्ट है ना, इनको बहुत लाज, ये बहुत लाजरी थी मैडम, है ना। यहाँ पर शोभा मैडम जो है ना, ये लाजे थी, है ना, कारंडा, है ना, कारंड लाजे। तो बहुत ही इनको जो है ना, लाजे थी, कारंड लाजे। तो बहुत शर्म आ रही थी इनको, तो एक इनको शर्म आ रही थी, एक बोल रहा था कि मैं लाश बिछा दूंगा, है ना। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? कहाँ गए ये लाजे वाले, शर्म वाले, फार्मर्स वाले कहाँ गए? गुम हो जाते हैं यार, कहाँ लिखा था मैंने, रुको, ये वाला, है ना। देखो तो यहाँ पर ये लाजे मैडम थी, क्या था? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एक कह रहा था कि तू मर, एक कह रहा था कि कैलाश साहब कह रहे थे मैं लाश बिछा दूंगा, और इनको शर्म आ रही थी,
हाँ ना, इनको शर्म आ रही थी। किस बात को लेकर बात हो रही है? फार्मर्स वेलफेयर को लेकर बात हो रही है। तो फार्मर्स वेलफेयर को लेकर सेंट्रल लेवल पे तोमर जी कहते थे, तोमर, कैलाश जी कहते थे मैं लाश बिछा दूंगा, लेकर इनको शर्म आ रही थी लाजी मैडम को। परफेक्ट, क्लियर है, डन। ऋषिका वही तो लिखवाते हुए तो चल रहा हूँ, ऋषिका लिखते हुए चलो साथ साथ में, जो मैंने लिखवाया ना ये आपको साथ साथ में लिखना है, ऋषिका बात के लिए वेट नहीं करना है। ओके, डन, परफेक्ट, चले। है ना, मेरी आपसे गुजारिश है, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ वहाँ के, प्लीज़ आप पाँच लास्ट के, मैं 2-3-5 मिनट रुक जाऊँगा आपके लिए, चिंता ना करो। अभी पहले ये प्लीज़ पढ़ लो, है ना, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, प्लीज़ आप अभी ये सुन लो, उसके बाद चले। तो यहाँ पर ये लाजे मैडम थी एग्रीकल्चर, है ना, फार्मर्स को लेकर शर्माती थी। देन आपके कैलाश साहब थे, कैलाश साहब कहाँ गए, है ना, कैलाश साहब कहाँ गए, ये कैलाश चौधरी। तो कैलाश चौधरी जो है बोले थे मैं लाशें बिछा दूंगा, और कौन बचा फिर, है ना, तोमर जी, वो सेंट्रल लेवल पे संभालते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पर, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ गया कहाँ गया, ये लाजे मैडम। देन भानु प्रताप, है ना, तो भानु टाटू करते थे, भानु बहुत टाटू करते थे, टाटू बहुत भानु करते थे, कैसे भी याद रखो, है ना, भानु जो है बहुत टाटू टाटू करते थे, किसके साथ, एमएसएमई के साथ, है ना, एमएसएमई के साथ, है ना, भानु प्रताप जो है बहुत टाटू करते थे, किनके साथ, एमएसएमई के साथ। तो ये दोनों लोग क्या संभालते थे, एमएसएमई। परफेक्ट, क्लियर। अब देखिए आगे, है ना, अब देखिए आगे, होगा याद, होगा याद, होगा, अभी थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आधा याद आ रहा है कि नहीं, आधा भी याद आ रहा है तो मैं आपका और एक अलग से सेशन लूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दर्शना मैडम। दर्शना मैडम किसके दर्शन करवाती थी, ट्रेन के और साड़ी के, है कि नहीं, दर्शना मैडम किसके आपको दर्शन करवाती थी, ट्रेन के और साड़ी के, ठीक है। तो टेक्सटाइल भी ये देखती थी और ट्रेन भी ये देखती थी, तो रेलवेज भी था और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी है, सॉरी, ठीक है। तो साड़ी और कौन पहनाता था, तो पीयूष गोयल, है ना, साड़ी और कौन पहचान आपको पहनाता था, तो पीयूष गोयल। और रेलवेज और किसके किसके पास था, तो रेलवेज अश्विनी जी घोड़े की रफ्तार में दौड़ाते हैं, फिर दादा राव जो है वो भी, है ना, ट्रेन में जाके कोयला डालते थे, है ना, वो भी ट्रेन में जाके कोयला डालते थे, और ये आपकी दर्शना मैडम। और तीसरी वाली क्या, आपकी दर्शना मैडम, करंट अफेयर्स के नोट्स दे दो, यही तो नोट्स हैं भाई, यही मॉड्यूल ही नोट्स हैं अपने, है ना, मॉड्यूल को ही अपन जो है अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है। तो रेलवेज तीनों के पास है, दर्शना मैडम दर्शन करवाती हैं, दादा राव और आपके अश्विनी जी। परफेक्ट, क्लियर है, डन है। अरे रिवाइज तो करवाने दो, प्रियांशी के लिए आगे करवाओ, रे रिवाइज तो करवा दें, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन बाकियों को आपके लेवल पर लाना पड़ेगा कि नहीं प्रियांशी। देखो नेक्स्ट है मुरलीधरन, तो ये मुरली बजाते थे भाई, तो मुरली बजाने से देश के बाहर भी और पार्लियामेंट में भी हलचल मच जाती थी, है ना, बिल्कुल डंका बज जाता था इनका। तो पार्लियामेंट्री भी इनके पास था और एक्सटर्नल अफेयर्स भी इनके पास है, पार्लियामेंट्री भी इनके पास था और एक्सटर्नल अफेयर्स भी इनके पास है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री और किसके पास था, पार्लियामेंट्री और किसके पास था, तो प्रहलाद जी के पास था और मेघवाल जी के पास भी था, प्रहलाद जी के पास भी पार्लियामेंट है, मेघवाल जो है, है ना, ये भी बारिश करते थे पार्लियामेंट के ऊपर, है ना, प्रहलाद जी के पास है सेंट्रल लेवल पे, और मुरलीधरन, तो ऐसी मुरली बजाते हैं कि भाई ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि पार्लियामेंट वाले दौड़े दौड़े चले आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो एक्सटर्नल में अफेयर्स आपको करवाते थे जयशंकर, तो जयशंकर भी करवाते थे आपको एक्सटर्नल अफेयर्स, और यहाँ पर मुरली बजा के भी आप, है ना, बाहर वालों को बिल्कुल पटा सकते हो, समझ आए, क्लियर है यहाँ तक, एकदम परफेक्ट है, डन 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 डन। तो हमने यहीं तक पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको 10 से 14 मिनिस्टर्स आई थिंक अभी अभी मैंने आपको रिवाइज किया करवाए हैं, उससे ज़्यादा ही करवाए हैं, है ना, 14 मिनिस्टर्स का तो नाम यहाँ पर है, और साथ साथ में मैंने आपको सेंटर वाले भी रिवाइज करवाए। अब पढ़े नए वाले, है ना, अब हम पढ़े नए वाले, बताइए, यस, सुनेगा। अब नेक्स्ट है लेखी, है ना, मीनाक्षी लेखी, तो श्रीमती मीनाक्षी लेखी, तो ये क्या लिख रही हैं, ये क्या लिख रही हैं, तो ये बाहर का कल्चर लिख रही हैं, है ना, ये क्या लिख रही हैं, तो ये बाहर का कल्चर लिख रही हैं। प्रांजल कह रही है हमें पटाना नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उसकी। यहाँ पर देखो, है ना, अफनान, अभी सुनो प्लीज़, यहाँ पर फोकस करो, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या करती हैं लेखी मैडम, तो ये लेखी मैडम क्या करती हैं, ये बाहर का कल्चर लिख रही हैं, ये लेखी मैडम क्या कर रही हैं, ये बाहर का कल्चर लिख रही हैं। अभी मुझे बताओ एक्सटर्नल आपने कहाँ कहाँ पर पढ़ा, एक्सटर्नल जाने के लिए जयशंकर करना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल जाने के लिए जयशंकर करना पड़ेगा पहले, फिर आपको मुरली भी बजानी पड़ेगी और आपको लिख के एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी,
है ना, आपको लिख के एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी। सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता ना करो, लेकिन आप अगर कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली देखोगे तो, है ना। सुनिए, तो यहाँ पर बाहर जाने के लिए जयशंकर है, तो जयशंकर भी बोलना पड़ेगा, फिर मुरली भी बजानी पड़ेगी, और क्या आपको लिख के एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी कि हमको एक्सटर्नल अफेयर्स करने हैं, ठीक है। फिर कल्चर के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो कल्चर कौन कौन संभालता है, तो कल्चर आपके, है ना, कल्चर आपका जो है ये मेघवाल जी भी संभालते थे, बारिश होती थी, है ना, हम एकदम रेडी भी थे और एकदम लिख के रेडी थे, है ना, हम एकदम लिख के हम रेडी हो गए थे कल्चर देखने के लिए। तो कल्चर देखने के लिए भी हमने यहाँ पर, है ना, हमने यहाँ पर एकदम लिख के हम लोग रेडी थे, है ना, रिटर्न में हम लोग रेडी थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख के रेडी थे, तो हम लिख के रेडी थे किस बात के लिए, कल्चर देखने के लिए, और है ना कल्चर के ऊपर बारिश पड़ती थी, और कल्चर के ऊपर बारिश पड़ती थी, कल्चर के ऊपर बारिश पड़ती थी, ठीक है। तो कल्चर कौन कौन संभालता है, तो कल्चर के ऊपर बारिश भी पड़ रही है, कल्चर देखने के लिए हम रेडी भी हैं, और एकदम लिखित में रेडी हैं भाई, एकदम लिख के रेडी हैं कि हमको यहाँ पर कल्चर देखना है, ठीक है। एक्चुअली लास्ट टाइम तक जो जब मिनिस्टर चेंज नहीं हुए थे ना, तो कंपेरेटिवली ईजी था याद करना, है ना, एक एक के पास मल्टीपल नहीं थे ऐसे, मतलब बहुत सारे नहीं थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने, पर ठीक है, लेकिन अपन करेंगे उसको, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। चले हम आगे, देखिए नेक्स्ट है आपका श्री लेखी वाला याद हो गया, है ना। तो यहाँ पर लेखी मैडम क्या क्या लिख रही हैं, एक्सटर्नल भी लिख रही हैं, कल्चर भी लिख रही हैं, लेखी मैडम, है ना, एक्सटर्नल भी लिख रही हैं और कल्चर भी लिख रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट सोम प्रकाश, है ना, सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश क्या क्या संभाल रहे हैं, कॉमर्स संभाल रहे हैं, तो धंधा संभाल रहे हैं, तो धंधा संभालने वाले कौन कौन हो गए, धंधा संभालने वाले कौन कौन हो गए। सोमरस, पता है आपको सोमरस क्या होता है, सोमरस किसको बोलते हैं, पता है कि आपको, व्हाट डू मीन बाय सोमरस, है ना, सोमरस क्या होता है, पता है आपको सोमरस किसको कहा जाता है, सोमरस किसको कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है सोमरस, दारू को, बहुत ही बढ़िया, है ना, वाइन को, दारू को, दारू को, है ना, दारू मतलब होता है सोमरस। तो हम सोमरस पी के धंधा कर रहे हैं, हमने सोमरस पिलाई पीयूष जी को और पटेल मैडम को और धंधा कर रहे हैं, है ना, दारू पी के धंधा कर रहे हैं भाई, है ना, सोमरस हमने पिलाई, है ना, पीयूष गोयल साहब को और पटेल मैडम को, ये तीनों मिलके धंधा कर रहे हैं, तीनों मिलके यहाँ पर कॉमर्स संभाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको सोमरस पिलाई है, बहुत ही प्यारी वाली, है ना, तो ये सोमरस हमने पिलाई है, हाँ ना, किस किस को, एक पीयूष गोयल साहब को दिए और एक हमने पटेल मैडम को दिए, एकदम अनुपम तरीके से ये मैडम काम कर रही थी, परफेक्ट। चलिए एफ वाई बी ए का रिजल्ट आ गया, 93% मिले, वाह वाह क्या बात है, संस्कृति बधाई हो बहुत बहुत, चलो क्लियर है। तो हम यहाँ पर दारू पिला रहे थे पीयूष गोयल साहब को और पटेल मैडम को, तीनों मिलकर दारू पी के धंधा कर रहे थे। चलिए हम आगे देखो, ये हो गए सोम प्रकाश, है ना, ये हो गए सोम प्रकाश, सोम प्रकाश बोले तो सोमरस, है ना, सोमरस। अब देखिए आगे, रेणुका सिंह सरुता, है ना, तो सारुता और मुंडे, है ना, सारुता मुंडे, इनके सरनेम देखो बहुत ही अलग है ना, सारुता और मुंडे, तो मैडम दिख भी रही हैं बहुत प्यारी वैसे, तो है ना, उससे भी आपको समझना चाहिए कि ये ट्राइबल अफेयर संभालती हैं, है ना, सारुता और मुंडे, एफ वाई बी ए इज फर्स्ट ईयर बी ए, है ना, बी कॉम, बी बी ए, एम बी ए, ऐसे बी ए एम ए वाला, तो हमारे सारुता मैडम और मुंडे जी, है ना, ग्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ग्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि शेप होता है, हद मचाते हो यार तुम। यहाँ पर सारुता मैडम जो है ना, सारुता और मुंडे जी, ये दोनों जो है क्या करते हैं, ट्राइबल अफेयर संभालते हैं, ठीक है। ट्राइबल अफेयर संभालने वाले दो ही लोग हैं, एक मुंडे जी मुंडी घुमा रहे थे ट्राइबल के साथ डांस कर करके, आपको याद होगा, और उनके साथ जो है ये सारुता, है ना, उनके साथ ये सारुता मैडम जी जो है ये भी ऐड हो गई है, ठीक है। चले हम आगे देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका श्री रामेश्वर तेली, तो तेली इनका काम ही क्या है ना, तेली इनका काम ही क्या है, तो पेट्रोलियम और लेबर, है ना, तेली जो है ना, कितना प्यारा देखो कैसा मैच करके देते हैं कभी कभी, है ना, तेली जो है ये पेट्रोलियम संभाल रहे हैं, है ना, और लेबर को भी तेल लगा रहे हैं, ये तेली जी पेट्रोलियम का भी काम कर रहे हैं, और तेली हो गया ना पेट्रोल मतलब, और लेबर को भी तेल लगा रहे हैं, तेली साहब जो है ये पेट्रोलियम भी का भी काम कर रहे हैं और लेबर को भी तेल लगा रहे हैं, ठीक है।
यही सब काम और कौन कौन करता था, यही सब काम और कौन कौन करता था। पेट्रोलियम का काम हमने और किसको देख रखा था, तो हमने पुरी साहब को देख रखा था, है ना। सेंटर में पुरी साहब को हमने पेट्रोलियम वाला काम देख रखा था, ठीक है। और क्या, लेबर वाला काम हमने भूपेंद्र जी को देख रखा था सेंटर पे, है ना। सेंटर में देखो जो है ना, पानीपुरी में पेट्रोल डाल के आपको खिला रहे थे पुरी साहब, और यहाँ पर भूपेंद्र, तो भूपेंद्र साहब पूरे एनवायरनमेंट को देख रहे थे और लेबर को देख रहे थे। भूपेंद्र साहब पूरे पृथ्वी के क्लाइमेट एनवायरनमेंट को देख रहे थे, भू मतलब होता है जमीन, तो पूरे क्लाइमेट को देख रहे थे और उसके लेबर को देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही काम कौन कर रहे हैं, तेली साहब कर रहे हैं, तो तेल लगा रहे हैं, लेबर को भी तेल लगा रहे हैं और जो तेल का काम भी कर रहे हैं। कितने बढ़िया नाम है बताओ, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। प्रथमेश कह रहा है पेट्रोल से तेल निकाल के लेबर को लगा रहे हैं, वैसे भी चलेगा, आपकी इच्छा, आपको जैसे लगाना है वैसे लगाओ, कोई मना ही नहीं है। क्लियर है, डन यहाँ तक, परफेक्ट। दीक्षा के लिए क्लास खत्म कब खत्म होगी, तो 480 से उल्टी काउंटिंग करो आप, है ना, 480 से उल्टी काउंटिंग करो तब खत्म हो जाएगी। चलिए, तो हरदीप सिंह पुरी साहब थे और यहाँ पर भूपेंद्र थे जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट संभाल रहे थे। कैलाश चौधरी, इनका तो नाम हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने कहा था कि मैं लाश बिछा दूंगा, है ना, इन्होंने कहा था कि मैं लाश बिछा दूंगा, है ना, फार्मर्स वाले केस में हमने पढ़ा था। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी वैसे क्या करवाती हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अन्नपूर्णा देवी ऑन अर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ अन्नपूर्णा देवी ऑन अर्थ, खाना खिलाना, लेकिन ये खाना नहीं खिलाएंगी, ये आपको पढ़ाएंगी, ये अलग है थोड़ी, इनका सोचना अलग है। ये सोच रही है कि आप खा खा के वैसे ही मोटे होते जा रहे हो, है ना, पड़े पड़े खा खा के सोस हो गए। तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम जरूर जरूर अन्नपूर्णा है, लेकिन मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं एजुकेशन करवाऊंगी आपको, मैंने आपको पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, ठीक है। तो एजुकेशन का और आपने कौन सा पढ़ के रखा है ना, धर्मेंद्र, है ना, एजुकेशन का आपने और कौन सा पढ़ के रखा है, तो आपने धर्मेंद्र पढ़ के रखा है, करेक्ट। तो एजुकेशन के ना ये चार हैं, आप इसको लिखो, है ना, आप इसको लिखो, एजुकेशन के ना टोटल चार लोग हैं, एजुकेशन के टोटल ना चार लोग हैं। तो सेंट्रल लेवल पे धर्मेंद्र जी हैं और स्टेट लेवल पे तीन लोग हैं, स्टेट लेवल पे तीन लोग हैं, अन्नपूर्णा देवी भी हैं, ये सुभाष सरकार भी हैं और राजकुमार रंजन सिंह भी हैं। तो एजुकेशन को लेकर ये चार लोग हैं टोटल, तो स्टेट में तीन लोग हैं, अन्नपूर्णा देवी भी हैं, है ना, तो पढ़ाने में सरकार भी पूरी मदद कर रही है और एकदम आपसे रंजिश है उनकी, रंजिश, रंजिश बोले तो क्या, एक काइंड ऑफ रिवेंज लेना चाह रहे हैं आपसे ना, सरकार आपसे जो है रिवेंज लेना चाह रही है ना, तो रंजन करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रंजिश मतलब क्या, रिवेंज लेना, बदला लेना। तो पढ़ाने के मामले में अन्नपूर्णा देवी आएगी और सरकार आएगी और आपसे रंजन लेगी, रंजिश मतलब कहा जाता है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा ये पढ़ाएंगी आपको, खिलाएंगी नहीं, है ना, और क्या, सरकार भी आएगी और आपसे रंजिश लेगी, ना आपसे रंजन जी हैं, तो ये तीन नाम है, राजकुमार रंजन, तो रंजन हो गए, सरकार हो गई और देवी, है ना, अन्नपूर्णा देवी। और सेंट्रल लेवल पे कौन, धर्मेंद्र जी, ये लिख रहे हो ना साथ साथ में, है ना भाई, तुम आप लोग ये लिखते नहीं हो, फिर आप बोलते हो कि सर हमने लिखा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, भजन कीर्तन नहीं चल रहा है इधर, भजन कीर्तन भी अगर चल रहा है तो घंटियां वंटियां लेके बैठो, ऐसे मत बैठो, है ना, तो भाई कॉपी किताब पेन पेंसिल लेके बैठो और लिखना है आपको, ये लिखा आपने, डन, परफेक्ट। चलो हम आगे, डन यहाँ तक, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे धर्मेंद्र साहब संभालते हैं और यहाँ पर देवी सरकार आपसे रंजन लेके आ रहे हैं, है ना, आपसे रंजन लेने के लिए आ रहे हैं, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, है ना, तो ये नाम आपको आगे मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा, देखो आप ये पढ़ चुके हो। अभी नारायण स्वामी, है ना, नारायण स्वामी, तो यहाँ पर नारायण स्वामी जी जो है ना, नारायण स्वामी भी आपको सोशल जस्टिस दिला रहे हैं, नारायण स्वामी भी आपको सोशल जस्टिस दिला रहे हैं, बहुत जल्द आएगा दिव्या, मैं अनाउंस कर दूंगा, चिंता ना करो, मैं मैराथन का डेट अनाउंस करूंगा, आप लोगों को पता ना चले, पॉसिबल है क्या। चलिए, अदिति कह रही है हम वापस लिख देंगे बाद में वीडियो देख के, बहुत टाइम है आपके पास, इतना टाइम है तो एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई चालू कर दो फिर। सुनो, यहाँ पर सोशल जस्टिस कौन कौन करवाता है, तो नारायण स्वामी, नारायण स्वामी पूरे जना जगत के स्वामी हैं, तो ये सोशल जस्टिस कराएंगे, वीरेंद्र जी भी सोशल जस्टिस कराएंगे, अठवले जी भी सोशल जस्टिस कराएंगे, एंड भौमिक, हमने भौमिक स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, भौमिक मैडम थी ना, कहाँ गई, पहले पढ़ा था कि बाद में पढ़ा था, एक मिनट, कोई तो भौमिक मैडम थी ना, कहाँ गई,
आज तो नहीं पढ़ा तो नीचे ही होगा ये है ना। यस ये प्रतिमा भौमिक, तो भौमिक मैडम जो है ये भी सोशल जस्टिस करवाएंगी। तो सोशल जस्टिस करवाने के चार नाम हो गए, सोशल जस्टिस करवाने के भी चार नाम हो गए। देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा है, कितना अच्छा हूँ मैं दिल का, देखो है ना। यहाँ पर जो सोशल जस्टिस करवाने वाले भी चार लोग हो गए भाई, समाज में जस्टिस करवा रहे हैं, है ना, समाज में जस्टिस करवा रहे हैं। कौन कौन? तो सेंट्रल लेवल पे वीरेंद्र, वीर है तो जस्टिस दिलाएंगे, सोशल जस्टिस दिलाएंगे, है ना। नारायण स्वामी तो जगत के स्वामी है, ये सोशल जस्टिस नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? अभी होगा कृष्णाली, जब तक मैं सेकंड टाइम रिवाइज नहीं करवाऊंगा तब तक, ठीक है। तो नारायण स्वामी जस्टिस दिलाएंगे, भौमिक मैडम ये भी जस्टिस दिलाएंगी, और अठवले जी ये भी जस्टिस दिलाएंगे, है ना। तो जस्टिस है ना यहाँ पर, ये अठवले जी कौन, जो गो कोरोना कोरोना को कर रहे थे, ये सोशल जस्टिस दिला रहे हैं आपको। भौमिक मैडम है ना, भौमिक मैडम ये भी आपको जो है यहाँ पर जस्टिस दिलाएंगी। एंड नारायण स्वामी ये तो जगत के स्वामी है भाई, तो ये जस्टिस दिलाएंगे आपको। और सेंट्रल लेवल पे वीरेंद्र जो थे ये आपको जस्टिस दिला रहे थे, ठीक है। तो ये सब मिलकर आपको सोशल जस्टिस दिलाएंगे। परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, परफेक्ट है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो सोशल जस्टिस दिलाना चार लोगों का काम है। प्रहलाद, यहाँ पर कौन कौन आ गए आपके, है ना, अठवले जी आ गए, भौमिक मैडम आ गई, है ना, भौमिक मैडम आ गई, नारायण स्वामी आ गए, और आपके सेंट्रल लेवल पे वीरेंद्र। डन डन डन, क्लियर है, परफेक्ट एकदम। चलिए हम आगे, देखो तो ये हमने कौन सा वाला पढ़ा, कहाँ गए, ये नारायण स्वामी हमने पढ़ा। अब ये कौशल किशोर, किशोर क्या, किशोर जी क्या संभाल रहे हैं, है ना, कौशल किशोर ये क्या संभाल रहे हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, ये क्या संभाल रहे हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही कौशल से हाउसिंग संभाल रहे हैं। तो घर पे कौन आता था पानीपुरी खिलाने, तो पुरी साहब आते थे घर पे पानीपुरी खिलाने, पुरी साहब आते थे घर पे पानीपुरी खिलाने, पुरी साहब आते थे, है ना। और घर कौन बहुत कौशल से संभाल रहे हैं, कौशल मतलब होता है टैलेंट टाइप का, कौशल मतलब होता है कि ये बहुत ही मतलब कैसा कौशल बोले तो टैलेंट टाइप का काइंड ऑफ। तो भाई कौशल साहब जो है ये घर संभाल रहे हैं और पुरी साहब भी घर संभाल रहे हैं। पुरी जी आपके घर आए थे, हाउस में आए थे, आपको पेट्रोलियम वगैरह खिलाने पिलाने, ठीक है, परफेक्ट। आस्था सेन कह रही है 480 कंप्लीट हो गई, आपको थोड़ी बोला था मैंने 480, किसी और को बोला था, अभी आप वापस नया चालू करो। और मुझे आप कहते हो टाइम हो गया, स्कूल में थोड़ी बैठे हैं कि भाई घंटी बज जाएगी 9 बजे, अब जो है ना आपकी टीचर चली जाएगी या चला जाएगा और आप भी बैग पैक करना चालू कर दोगे, ऐसा थोड़ी है, फ्री माहौल है ये, फ्री माहौल है भाई, यहाँ पर कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती है ना। ओम कह रहे हैं पुरी जी कौशल के घर आए थे तो भी चलेगा, है ना, पुरी जी कौशल के घर आए थे ये भी चलेगा, है ना, हाउसिंग अफेयर्स पुरी जी संभाल रहे हैं एंड कौशल जी संभाल रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। तो ये भाई फ्री माहौल है अब, है ना, हम सुबह को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं, 3 बजे भी पढ़ा सकते हैं, कितना बढ़िया कर दिया यूट्यूब ने, बताओ सच्ची बात है कि नहीं। अब जब तक पैक बैग पैक करो अपना, आपको जाना होगा ना कहीं, आप बैग पैक करो थोड़ा सा, जब तक मैं और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पुरी जी जो है कौशल के घर आए थे, अपन ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। एंड सोशल जस्टिस चार लोग आपको दिला रहे थे। चलिए आगे, है ना, आगे अजय भट्ट, है ना, अजय भट्ट, तो अजय भट्ट क्या संभाल रहे हैं, है ना, ये भूम भट्ट स्वाहा करते हैं आपके लिए, है ना, ये भूम भट्ट स्वाहा करते हैं आपके लिए। तो अजय भट्ट जो है ना, अजय भट्ट जो है ना, अब मैं इनको है ना भूम भट्ट स्वाहा कैसे बनाऊं, तो देखो एक कोशिश करता हूं मैं छोटी सी, है ना, एक ना मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, है ना, मैं एक छोटी सी बस कोशिश कर रहा हूं ये, मज़ा नहीं आया। सुनो, तो ये ना अजय भट्ट साहब हैं, ये ना अजय भट्ट साहब हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, है ना, दोनों हाथों से, है ना, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों हाथों से भूम भट्ट स्वाहा कर रहे हैं, है ना, ये दोनों हाथों से भूम भट्ट स्वाहा कर रहे हैं, यहाँ पर है ना भूम भट्ट स्वाहा कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, तो इससे ना एक एरोप्लेन निकलेगा, है ना, इससे ना एक एरोप्लेन निकलेगा जो आपको टूरिज्म करवाएगा। तो ये ओम भट्ट, है ना, अजय भट्ट साहब जो हैं,
यहाँ पर अजय भट्ट साहब जो है, अजय भट्ट साहब क्या करते हैं, अजय भट्ट साहब भूम भट्ट स्वा करते हैं, फिर वहां से एरोप्लेन निकल के आते हैं और आपको टूरिज्म करवाते हैं, है ना। फिर वहां से क्या होता है, वहां से एरोप्लेन निकल के आते हैं और आपको जो है टूरिज्म करवाते हैं, ठीक है, परफेक्ट, है ना, क्लियर है क्या। चलिए, तो भूम भट्ट स्वा कर रहे हैं, तो आपको ये जो एरोप्लेन निकल के आ रहे हैं, एरोप्लेन मतलब डिफेंस, हाँ यहाँ पर एविएशन नहीं, डिफेंस से याद कर लो, है ना। तो यहाँ पर क्या, ये डिफेंस वाला जो है प्लेन निकल के आया है और टूरिज्म करवा रहे हैं, और डिफेंस वाला प्लेन निकल के आया है और आपको यहाँ से टूरिज्म करवाते हैं, ठीक है। तो डिफेंस कौन संभाल रहा था, राजनाथ सिंह संभाल रहे थे सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे डिफेंस कौन संभाल रहा था, तो राजनाथ सिंह संभाल रहे थे। और टूरिज्म, है ना, टूरिज्म के लिए हम एकदम एकदम रेडी थे, है कि नहीं, है ना, टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए तो हम एकदम एकदम रेडी थे नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। तो टूरिज्म था किसका, है ना, टूरिज्म था किसका, आपका रेड्डी का, टूरिज्म था आपका किसका, रेड्डी का, है ना। यस्सो आपको याद है, यस्सो यस्सो करके हम शिप में बैठते थे, टूरिज्म करते थे, है ना, यस्सो यस्सो करके, है ना, यस्सो यस्सो करके हम क्या करते थे, सिंधिया, कनिष्क ज्योतिरादित्य सिंधिया, एविएशन प्लेन सिंधिया उड़ाते थे, याद है आपको। तो यहाँ पर देखो, यस्सो यस्सो करके हम जो है शिप में बैठ जाते थे और टूरिज्म करते थे, और हम टूरिज्म करने के लिए एकदम रेडी भी थे, और यहाँ पर आपके ये भट्ट साहब भी आ गए, तो तीन लोग आपको टूरिज्म करा रहे हैं, तीन लोग जो है आपको टूरिज्म करा रहे हैं, है ना, भट्ट साहब भी करवा रहे हैं, रेड्डी, हम एकदम रेड्डी हैं, हम एकदम रेड्डी हैं, है ना, यस्सो यस्सो बोल के हम भूम भट्ट, है ना, यहाँ पर अजय भट्ट साहा करने के लिए तैयार हैं। तस्मिया करिए, 9:05 हो गए, तो कहाँ जाना है आपको भाई, मतलब मैं तैयार हूँ ओवर टाइम करने के लिए, आपको क्या समस्या है, आपको क्या समस्या है। तो सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है ना, भट्ट करके, है ना, भूम भट्ट करके हम यस यस बोल के रेडी थे एकदम, क्या करने के लिए, है ना, टूरिज्म करने के लिए, हम एकदम रेडी थे टूरिज्म करने के लिए। और डिफेंस एक भट्ट साहब साहब के पास है और एक राजनाथ जी के पास है, ठीक है। लास्ट वाला बीएल वर्मा, लास्ट वाला बीएल वर्मा, फिर आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, लास्ट वाला हम याद कर लेते हैं बीएल वर्मा, और हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, और कल मैं आपको बाकी मिनिस्टर्स भी करवा दूंगा, बस खत्म होने को ही आ गए हैं आपके मिनिस्टर, समझो बस खत्म होने को ही आ गए हैं, कल बाकी मिनिस्टर्स हो जाएंगे। तो बीएल वर्मा, है ना, बीएल वर्मा, है ना, ये बीएल, है ना, बीएल, है ना, बी और एल, ये बीएल वर्मा जो है ना, बीएल वर्मा जो है, तो ये नॉर्थ ईस्ट और क्या संभालते हैं, कोऑपरेशन, है ना, नॉर्थ ईस्ट क्या, कोऑपरेशन, नॉर्थ ईस्ट और कोऑपरेशन, है ना। तो भाई देखो, इसका फुल फॉर्म जो है मैं जो ऑफिशियली आपको बता सकता हूँ वो है बहुत लवली, ये तो बहुत ही लवली है ना, बीएल वर्मा जो है ना, ये ना बहुत ही लवली है, ठीक है, और ये बहुत ही लवली तरीके से नॉर्थ ईस्ट और कोऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, ये बहुत ही लवली तरीके से बीएल वर्मा जो है ना, बहुत ही लवली तरीके से क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में कोऑपरेशन करवा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट तो हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, याद है आपको, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, बस कल आकृति कल खत्म हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, पॉइंट नंबर वन, एंड कोऑपरेशन करवाते हैं यार नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही लवली, है ना, बीएल वर्मा जो है ये बहुत ही लवली कोऑपरेशन करवाते हैं आपको, है ना। तो बीएल वर्मा जो है बहुत ही लवली आपको कोऑपरेशन करवा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए तो हम वैसे भी रेडी थे, और कोऑपरेशन तो भाई अमित शाह करवाते थे, है ना, कोऑपरेशन तो अमित शाह से बेटर कौन करवाता था बताओ, ठीक है। तो बहुत ही लवली, है ना, बहुत ही लवली नॉर्थ ईस्ट में कोऑपरेशन करवा रहे थे बीएल वर्मा, ठीक है। चले हम आगे, चले हम आगे, तो दो आखिरी कर लें, ये भी, ये तो पढ़ा हुआ है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये किस किस के पास है, बस ये कर लेते हैं, बस ये दो आखिरी, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चार लोगों के पास है, ये लिख लो आप, अमित शाह जी के पास है ना, अमित शाह जी के पास है, नित्यानंद जी के पास है, यहाँ पर अजय कुमार आ गए, और नीतीश प्रमाणिक, है ना, प्रमाणिक, और नीतीश प्रमाणिक, ये चार लोगों के पास होम अफेयर्स है ना। अमित शाह जी हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, एक है आपके अमित शाह,
ठीक है, एक है आपके नित्यानंद, नित्यानंद हमने अभी अभी रिवाइज भी किया था ना, नित्यानंद जो है हमने अभी अभी रिवाइज भी किया था, तो नित्यानंद भी घर संभालते हैं। उसके बाद आपके आगे अजय कुमार, एक आपके आगे अजय कुमार और आपके नीतीश प्रमाणिक, और नीतीश प्रमाणिक बस एक आखिरी, इसके बाद बस एक आखिरी, फिर पक्का छोड़ रहा हूं मैं आपको, एक बस आखिरी। तो होम किसके पास है? घर में, घर अमित शाह संभालते हैं, नित्यानंद डेली हैप्पी हैप्पी रहते हैं, और घर में आपको प्रमाण भी देते हैं, प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो घर पे अमित शाह जी आपको प्रमाणिक भी देते हैं, और यहाँ पर कौन है? एक अजय है ना, एक नाम आपको याद रखना है, अजय। आकर्ष पूछ रहा है कितने बजे खाना खाते हो? मेरे को तो जनरली 11:30-12 बज जाते हैं खाना खाने में जनरली। इसके बाद एक और लेक्चर है अभी सीएस एग्जीक्यूटिव का आपके बाद, वो चलेगा 9:30 से 11:30। ठीक है, ठीक है, नीतीश प्रामाणिक भी हो गए, और कौन बचा आपका? बस ये है ना, देवू सिंह चौहान, देवू सिंह चौहान। तो ये देवू, देवू और अश्विनी जी कम्युनिकेट करते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर अश्विनी जी के पास ही था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो था अश्विनी जी के पास ही था ना, कम्युनिकेशन करवा रहे थे ट्रेन में, देखो है ना, ट्रेन में कम्युनिकेशन करवा रहे थे अश्विनी जी। तो अश्विनी जी कम्युनिकेट करवा रहे थे देवू के साथ, अश्विनी जी कम्युनिकेट करवा रहे थे देवू के साथ। ठीक है, समझ आया? वंश के लिए रिपीट, ये तो लिखा हुआ है ना, अमित शाह जी डेली आनंदित होके आपको प्रामाणिक देते हैं, अजय है ना, और अजय आपको अलग से याद रखना है। परफेक्ट, क्लियर, डन, समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कहानी आपकी हुई पूरी आज की, बाकी मिनिस्टर्स इतने ही बचे हैं, है ना, इसमें से भी आप बहुत सारे पढ़ चुके हो, जो आगे आपको मिनिस्टर्स दिख रहे हैं ना, बहुत सारे आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ऊपर, तो कल अगर मैंने मिनिस्टर्स पढ़ाए तो मिनिस्टर्स सारे के सारे कल आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए, तो गाइज अभी के लिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं यार, अभी कोई डिक्सन का पूछ रहा है, कोई दूसरा पूछ रहा है, तो मार्केट गिर रहा है भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म में बताऊं तो डिक्सन टेक मुझे देखना पड़ेगा किस लेवल पे है, और गिरने की पॉसिबिलिटी है क्या। और बाकी टाटा पावर में आपको कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो रख लो, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे हम लोग कल रात को 8:15 के बीच में। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, है ना, ये प्लीज़ आप रिवाइज करके आइएगा, शुक्रिया।